Clash of Clans. हाँ भैया, तो कहते हैं लेट्स कल मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। तो आज हम लोग बात करेंगे गेमर्स के बारे में, एटलीस्ट जिन्होंने थोड़ी बहुत गेम खेली हो। पबजी वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो भाई आज का दिन तो बहुत बहुत ही ज्यादा स्पेशल है भाई साहब, क्योंकि आज देखो, एक तो पहली बात सीजन खत्म हो चुका है एंड ऊपर से आज हम लोग एक ऐसी चीज करने वाले जो बहुत लोग नहीं कर पाते। क्या करने वाले, कौन सी ऐसी चीज होने वाली है भाई साहब? हम लोग अटैक करने वाले हैं टाउन हॉल 11 से टाउन हॉल 13 के ऊपर, जहाँ पे उसका जो टाउन हॉल है वो मैक्स है, स्कैटर शॉट मैक्स है, ईगल आर्टिलरी मैक्स है, और जो इन्फिर्नो टावर है वो भी उसका मैक्स है। तो भाई आज की वीडियो में तो मैं तो बोलूंगा भाई आज ना आप लोग पूरी वीडियो देखना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। क्योंकि कौन करता है भाई 11 से 13 पे कौन कर पाएगा, लेकिन आज हम लोग करने वाले, देखते क्या होता है। एंड सीजन खत्म हो चुका है, मींस जितने भी लेजेंड लीग में प्लेयर्स हैं उनकी ट्रॉफीज फिर से 5000 पे रीसेट हो जाती है, उनको फिर से नए सीजन के लिए पुश करना पड़ता है। एंड जो नॉर्मल प्लेयर्स है लेजेंड लीग में नहीं है, उनका वो अनरैंक हो जाता है। तो अटैक करने के बाद फिर से वो, आप लोग किस लीग में हो, लाइक टाइटन लीग में हो तो टाइटन लीग आ जाता है, गोल्ड में हो तो गोल्ड लीग वापस आ जाता है अटैक करने के बाद। तो स्टार्टिंग में आप लोग अनरैंक रहते हो, तो न्यू सीजन स्टार्ट हो चुका है। जो पिछला सीजन था वहां पे अपने इंडियन क्लैन ने हमारे देश का नाम रोशन किया है। कौन सा क्लैन है भाई? पटना पायरेट्स। पटना पायरेट्स हमारे इंडिया का क्लैन है जिन्होंने ग्लोबल टॉप किया है नंबर 1 पे। ना कोई अरब चैंपियन क्लैन, ना कोई दूसरा कोई क्लैन नहीं, अपने इंडिया का पटना पायरेट क्लैन। मतलब देख सकते हो सीजन के एंड में वो भी पूरी दुनिया में नंबर 1 पे टॉप करना कितनी बड़ी बात होती है। तो भाई ये अपने इंडिया के लोग जहाँ पे भी जाते हैं ना, मतलब सब जगह पे डोमिनेट है। चाहे हम लोग CWL की बात करें, CWL में अपने जो इंडियन क्लैशेस की टीम थी उन्होंने पिछले सीजन पूरे ग्लोबल में रैंक 1 किया था। लाइक वॉर क्लैन में रैंक 1 करना, वो भी पूरी दुनिया में जहाँ पे बहुत तगड़े तगड़े क्लैंस होते हैं। तो देख सकते हो, इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि अपने इंडिया के लोग कितने ओपी है, कितने ओपी तरीके से खेलते हैं। भले गेम में ही क्यों ना हो, लेकिन देश का नाम तो रोशन कर रहे हैं। लाइक बाहर के लोग जानते तो कि भाई हाँ इंडियन क्लैन भाई बड़ा ओपी क्लैन है यार। एंड हाँ, मेरे बारे में मैंने सुना है लाइक हाँ सुमित दैट इंडियन गाय, ऐसे बोलते तो वो सुनने में भी अच्छा लगता है। दैट इंडियन क्लैन, दैट इंडियन प्लेयर, दैट इंडियन यूट्यूबर, वो ना थोड़ा एक अलग ही लेवल का, उसमें एक अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट, एक अलग ही लेवल का नशा होता है वो सुनने में। हर चीज में देश का नाम बनना अच्छा होता है। अभी पुशिंग कम्युनिटी में पटना पायरेट्स ने देश का नाम बनाया। अगर हम लोग बात करें CWL में क्लैन वॉर लीग में, तो वहाँ पे इंडियन क्लैशेस ने अपने देश, तो भाई ये बहुत बड़ी बात है हम सभी लोगों के लिए कि हमारे पास ऐसे ऐसे क्लैंस हैं जो ग्लोबल में डोमिनेट कर रहे हैं। पटना पायरेट्स हो गया, इंडियन क्लैशेस हो गया, और भी बहुत सारे हमारे इंडिया के क्लैंस हैं। सब कुछ होगा, बस वेट करो, सपोर्ट करो इंडियन कम्युनिटी को, क्लैश ऑफ क्लैंस को ग्रो करो। एंड मुझे ये बताने में खुशी होगी कि पूरे वर्ल्ड में हमारे चैनल के सब्सक्राइबर सबसे फास्टेस्ट ग्रो हो रहे हैं, सिर्फ क्लैश ऑफ क्लैंस में। जितने भी पूरे वर्ल्ड में क्लैश ऑफ क्लैंस के यूट्यूबर्स हैं, सबसे ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स सबसे तेजी से ग्रो हो रहे हैं। तो लव यू ऑल। तो गाइस, आप लोग सपोर्ट कैसे दिखा सकते हो, कैसे सपोर्ट कर सकते हो कम्युनिटी को? तो एक तरीका है, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इन गेम की सेटिंग्स में आ सकते हो, मोर सेटिंग में सबसे नीचे स्क्रॉल करना है, एंटर क्रिएटर कोड करना है, SUMIT Sumit007 कर देना है एंड सेंड कोड कर देना है। दैट्स इट गाइज, इससे आप लोग मुझे सपोर्ट कर पाओगे, कम्युनिटी को सपोर्ट कर पाओगे, जिससे कि ग्लोबल लेवल पे भी बात चलेगी कि भाई इन गेम के थ्रू सबसे ज्यादा सपोर्ट Sumit007 को हो रहा है, जो कि एक इंडियन यूट्यूबर है। तो भाई अलग ही लेवल का मजा आएगा। तो गाइज इस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर सकते हो। छोड़ो यार ये सारी बातें तो हम लोगों ने कम्युनिटी के बारे में कर ली, अभी फिलहाल बढ़ते हैं हमारी वॉर की तरफ। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 3 पे अटैक हुए नहीं है, तो हम लोग अटैक्स करने वाले हैं नंबर 1 और 3 पे। हाइब्रिड आर्मी हम लोगों ने ट्रेन करके रखी है, तो सबसे पहले हम लोग नंबर 3 पे अटैक करने वाले हैं इस वाले बेस के ऊपर। एंड हाँ, अटैक करने से पहले, क्या आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो? अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दो भाई, क्योंकि बहुत जल्दी होने वाला है भाई 1 मिलियन। नहीं हो रहा भाई, इंतजार कर दो यार, कर दो जल्दी से, कर दो 1 मिलियन। चलो भाई अभी बढ़ते हैं हम लोग अटैक की तरफ। तो ये बेस है इस नंबर 3 का, यहाँ पे इजी हाइब्रिड के साथ कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता प्लान 1 बनाने की जरूरत है यहाँ पे। तो चलते गाइस अटैक के लिए, हम लोगों ने यहाँ पे हाइब्रिड बना के रखी है, डायरेक्ट अटैक करेंगे इस बेस के ऊपर। सुपर वॉल ब्रेकर भी नहीं है, तो एक काम करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, क्वीन चार्ज यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा एक वॉल ब्रेकर, ओके यहाँ पे 2 वॉल ब्रेकर और डालेंगे। कम ऑन क्वीन, अंदर की तरफ चली जाओ। चलो हमारे हीलर्स क्वीन को अच्छे से हील कर रहे हैं, ओके यहाँ पे एक विजर डाल देते हैं। चलो शायद यहाँ पे रेड स्पेल, ओके अभी डालेंगे हम लोग यहाँ पे एक हॉग एंड एक वॉल ब्रेकर, पीछे से आएंगे 2 वॉल ब्रेकर्स और क्या बात है भाई, वॉल फूट चुकी है। क्वीन अंदर, अंदर आ जाओ पागल औरत, बाहर जा रही है भाई, अंदर आना चाहिए था क्वीन को और सीसी को लेना था, प्रॉब्लम हो सकती है। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग
एक हॉग राइडर डिप्लॉय करते हैं सीसी लूट करने के लिए। ओके सीसी बाहर आ चुकी है, तो अभी यहाँ पे पॉइजन डालना पड़ेगा सीसी के ऊपर। चलो भाई बहुत सही जा रहा है अटैक अब तक, तो यहाँ पे डालेंगे पॉइजन। ये क्या गिरा दिया, पॉइजन की जगह फ्रीज गिरा दिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक और रिच पे लाएगा, यहाँ पे एक वॉल ब्रेकर, एक और वॉल ब्रेकर, यहाँ पे किंग, यहाँ पे आएगी एसबी। ओके बस फनल बनने दो, देन माइनस डाल देंगे हम लोग बीच में सिंगल इन्फिर्नो के कंपार्टमेंट में। यहाँ पे ऊपर से आएंगे माइनर्स, यहाँ पे बुड्ढा, थोड़ा आगे जाने दो, हॉक्स डालेंगे फिर। ओके देन यहाँ पे आएंगे हमारे सारे के सारे हॉग राइडर्स। चलो भाई बहुत सही, ओपी भाई मस्त जा रहा है अटैक। उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे हम लोग हमारा एक रेज स्पेल, यहाँ पे आएगी हमारी बुड्ढे की एबिलिटी, दो हील्स अभी भी बचे हमारे पास। ये क्या हो रहा, हॉक्स कहाँ पे आ गए, यहाँ पे डालेंगे एक हील, मर गए भाई मर गए, सारे हॉक्स हमारे मर चुके हैं। एक और हील बची है, कहाँ पे डालेंगे वो, यहाँ पे डालेंगे हील स्पेल। भाई ये क्या हो गया, सारे ट्रुप सारे हॉक्स गायब हो चुके हैं हमारे। अरे बाप रे, हम लोगों ने इस बेस के ऊपर ज्यादा प्लान किया भी नहीं, मुझे लगा इजीली हम लोग इस बेस के ऊपर 3 स्टार निकाल पाएंगे, इजी बेस था एंड इजी बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे फेल कर दिया इजी बेस के ऊपर। ओके यहाँ पे एक विजर्ड, देखते यार परसेंटेज गेन करने की कोशिश करेंगे कितना परसेंट गेन कर पाते हैं। भाई 13 लोग अटैक देख रहे हैं हमारा, क्या बात है। एक और फ्रीज बचा है, शायद सिंगल इन्फर्नो पे यूज करेंगे, भाई नहीं हो पाएगा, हालांकि क्वीन के पास एबिलिटी भी है, एक फ्रीज भी है। टाइम होता तो लाइक और 2-3 मिनट होते तो आराम से हो जाता, लेकिन टाइम की कमी की वजह से शायद ये अटैक होने वाला है फेल। यहाँ पे एक फ्रीज एंड वेट करेंगे, क्वीन की एबिलिटी भी देंगे। गया भाई, 10 सेकेंड बचे अब। यहाँ पे देंगे क्वीन की एबिलिटी, ये गया भाई अटैक ही हमारा। यहाँ पे हो चुका हमारा 79%, भाई बहुत कम परसेंट और 2 स्टार है, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यार, क्या कर सकते, कोई नहीं। अभी हम लोग क्या करने वाले, नंबर 1 पे हम लोग अटैक करने वाले हैं भाई साहब। 11 से तो हम लोगों ने कर दिया फेल, क्या 11 से 11 पे फेल कर दिया भाई, 13 कहां से हो पाएगा यार। छोड़ो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हैं, क्या पता प्लानिंग के साथ हो जाए। तो ये बेस है, यहाँ पे इस आर्मी के साथ अटैक करने वाले हैं। तो भाई टाउन हॉल 11 vs 11 तो नहीं कर पाए 3 स्टार, 13 पे क्या करेंगे। यहाँ पे 2 स्कैटर शॉट है, ईगल है, इन्फिर्नो टावर्स भी है, इन्फिर्नो मैक्स है, सीसी इसकी मैक्स है, ईगल मैक्स है, टाउन हॉल मैक्स है, एक स्कैटर शॉट मैक्स है इसका, वार्डन है, क्वीन है, किंग है, आरसी है, कैसे करेंगे भाई 11 से इस बेस को हम लोग 3 स्टार। शायद स्कैटर नहीं होते तो कर भी पाते, क्या करें यार, पिछला अटैक फेल कर दिया, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कर पाएंगे। लेकिन एक प्लान हम लोग कर लेते हैं इस बेस के ऊपर, मेरे पास एक प्लान है इस बेस के लिए, क्या पता प्लान काम कर जाए। प्लानिंग के साथ हमेशा चलना चाहिए इंसान को, पिछले अटैक में गलती कर दी, क्या कर सकते हैं। एक काम करेंगे हम लोग, तो इस वाले आर्चर टावर के ऊपर 2 बलून्स डालेंगे जिससे कि ये वाला फूट जाएगा आर्चर टावर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बेबी ड्रैगन डालेंगे, यहाँ पे एक बेबी ड्रैगन डालेंगे जो कि नीचे की तरफ आएगा। ओके तो यहाँ पे फनल बन जाएगा। उसके बाद हमारी आर्चर क्वीन को यहाँ से डालेंगे, यहाँ पे आएगी हमारी क्वीन। ओके तो क्वीन ऊपर की तरफ जाएगी एंड पीछे से वार्डन भी आएगा हमारा क्वीन के लिए, सपोर्ट के लिए। एंड क्वीन के ऊपर हम लोग हिलस डिप्लॉय कर देंगे एंड उसके बाद यहाँ पे एक विजर्ड डालेंगे तो फनल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे डालेंगे हम लोग किंग, तो किंग ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा किंग। ओके तो यहाँ से क्वीन, ऊपर से किंग, तो यहाँ पे बीच में हम लोग क्या करेंगे, वॉल ब्रेकर डालेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू बी वॉल ब्रेकर अंदर की तरफ, देन उसके बाद पिक्काज आएंगे, बोलर्स आएंगे, पूरा कोर अंदर में आ जाएगा। तो हम लोग बस ये वाली एक ही वॉल फोड़नी है एंड हमारे पास कोई सुपर वॉल ब्रेकर भी नहीं है, तो मैं थोड़े ज़्यादा वॉल ब्रेकर लेके जाने वाला हूँ क्योंकि डर लगता है नॉर्मल वॉल ब्रेकर यूज़ करने में, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा डर लगता है, पता नहीं कहाँ से किसका गोला आ जाए और हमारे वॉल ब्रेकर्स को मार दे। तो यहाँ से वॉल ब्रेकर के साथ हम लोग ये वाली वॉल फोड़ देंगे, बहुत सारे वॉल ब्रेकर्स लेके आएंगे। ये वाली वॉल फूटने के बाद हमारे सारे के सारे ट्रुप्स इस कंपार्टमेंट से ऐसे ऐसे रास्ता फॉलो करेंगे एंड जो बोलस रहेंगे, बोलस ये डाउन करेंगे, ये डाउन करेंगे, ये डाउन करेंगे, ये डाउन करेंगे, ये डाउन करेंगे एंड यहाँ इस कंपार्टमेंट से आएंगे एंड टाउन हॉल के कंपार्टमेंट में नहीं जाएंगे क्योंकि ये वाला कंपार्टमेंट खाली हो जाएगा, हमारे बोलस डाउन कर लेंगे तो वहाँ पे कुछ बचता नहीं है, तो ट्रुप्स का वहाँ पे जाने का कोई मतलब रीज़न है ही नहीं, तो ट्रुप्स वहाँ पे जाएंगे ही नहीं, तो टाउन हॉल वहाँ पे बच जाएगा, राइट।
देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्री स्पेल डालेंगे एंड सारे के सारे बैट स्पेल डालेंगे। टोटल 8 बैट स्पेल्स लेने वाले हम लोग, 6 खुद के बैट स्पेल और 2 सीसी के मैक्स लेवल के बैट स्पेल्स लेने वाले। तो जिससे कि क्या होगा, ये पूरा सेक्शन डाउन हो जाएगा, बैट्स वहाँ से आ जाएंगे एंड बैट्स वहाँ से आने के बाद यहाँ से बैट्स ये डाउन करेंगे, ये डाउन करेंगे, ये डाउन करेंगे, ये 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 सब कुछ यहाँ से बैट्स डाउन कर लेंगे। एंड जैसे ही हमारे बैट्स यहाँ पे इस साइड पे आते हैं तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे हमारे कुछ बलून्स जिससे कि ये वाला विजिट टावर डाउन हो जाएगा। एंड एक और आइस गोलम एक्स्ट्रा ले लेंगे जो कि हम लोग डाल देंगे यहाँ पे, जिससे कि ये भी बिजी हो जाएगा एंड ये भी बिजी हो जाएगा, तो हमारे लिए इजी रहेगा। एंड रही बात टाउन हॉल की, टाउन हॉल की कैसे डाउन करेंगे, सिंपल, टाउन हॉल को हम लोग स्टोन स्लैमर, डायरेक्ट स्टोन स्लैमर डाल देंगे यहाँ पे टाउन हॉल के ऊपर, तो टाउन हॉल डायरेक्ट यहाँ से फूट जाएगा। तो ये बेसिक, भाई साहब ये क्या कर दिया है मैंने, ये क्या भाई, ये ड्राइंग कर दिया यार मैंने इस बेस के ऊपर, पता नहीं भाई ये प्लान ना थोड़ा आप लोग मेरे को पागल समझोगे मुझे पता है, लेकिन पता नहीं भाई 3 स्टार होगा कि ना, क्योंकि पहले अटैक में हम लोगों ने प्लान किया ही नहीं, फेल हो गया। लेकिन हालांकि टाउन हॉल 11 vs 11 था, ये टाउन हॉल 11 vs 13 है, लेकिन यहाँ पे प्लान है, तो क्या प्लान के साथ हम लोग 3 स्टार कर पाएंगे, लेट्स सी, देखते क्या होता है। ओके गाइस, तो ये रहा बेस, करेंगे अभी हम लोग अटैक। 10 वॉल ब्रेकर्स हम लोगों ने लिया है इस बेस के लिए, 4 हीलर्स लिए हैं, टोटल 8 बैट स्पेल्स, 3 फ्रीज एंड एक ये लिया है हम लोगों ने रेड स्पेल। आते हैं यहाँ पे, ओके, तो स्टार्टिंग में हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे डाल देंगे हमारे कुछ बलून्स, 2 बलून्स आएंगे यहाँ पे, वेट करेंगे, फूट जा भाई फूट जा, यहाँ पे एक बलून, यहाँ पे आएगा एक, वेट करेंगे बेबी ड्रैगन, यहाँ पे एक और बलून, अब फूटेगा आर्चर टावर एंड यहाँ पे बेबी ड्रैगन हमारा फनल बना लेगा, राइट। यहाँ पे क्वीन आएगी, पीछे से आएंगे सारे के सारे हिलर्स, यहाँ पे आएगा एक विजर्ड, यहाँ पे आएगा हमारा बारबेरियन किंग जिससे कि ऊपर की तरफ आएगा किंग हमारा, ओके चलो बहुत सही। यहाँ पे डाल देंगे बुड्ढे को जिससे कि बुड्ढा बैकअप देगा, ओके। ओ ये पागल किंग कहाँ जा रहा है, वॉल फूट जा, अरे बाप रे, यहाँ पे डालनी पड़ेगी एक और एक्स्ट्रा वॉल ब्रेकर्स, आइस गोलम, पीछे से बॉलर्स आएंगे, चलो भाई बहुत सही, अंदर की तरफ आ चुके ट्रुप्स, फिर से वॉल ब्रेकर्स, ओके, शायद यहाँ पे रेज की जरूरत पड़ सकती है, यहाँ पे आएगी रेज स्पेल, वार्डन की एबिलिटी, भाई टाउन हॉल एक्टिवेट हो गया, ट्रुप्स को जहाँ जाना था वहाँ जा, ओके 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 चले गए, टाउन हॉल एक्टिवेट नहीं होना चाहिए था यार, ये गलत सीन हो गया भाई यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक काम कर लेते हैं यहाँ पे डाल देते स्टोन स्लैमर, ओके, यहाँ पे आएगा हमारा फ्रीज एंड आएगा यहाँ पे हमारे सारे के सारे बैट स्पेल्स, क्या बात है, यहाँ पे वेट करेंगे एक और फ्रीज स्पेल आएगा, चलो भाई बहुत सही, ओके 4 बलून्स बचे हैं हमारे पास, कमॉन, ओके एक काम कर लेते हैं आइस गोलम यहाँ पे डाल देते हैं जिससे कि बिजी हो जाएगा ये स्कैटर, यहाँ पे आएंगे हमारे बलून्स, ओके 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 ओके, क्या बात है भाई, क्या लग क्या हमारा, विजिट टावर बैट्स के ऊपर टारगेट करने वाला था लेकिन बलून्स के ऊपर आ गया वापस, मस्त मजा आ गया भाई, क्या बात है भाई मजा आ गया। एंड यहाँ पे ये देखो पागल स्कैटर शॉट, यहाँ पे लॉक हो चुका आइस गोलम के ऊपर, मतलब बलून्स एंड बैट्स आराम से स्कैटर शॉट को डाउन कर पाएंगे, ओह अरे भाई साहब नहीं, क्या बात है भाई, तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे खुद की, जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे आइस गोलम डाला है, क्या ये 3 स्टार हो पाएगा, सिंगल इन्फर्नो बचा है यहाँ पे, टाउन हॉल 11 vs 13 का बेस है, कुछ बलून्स बचे यहाँ पे, क्वीन बची है, वार्डन बचा है, क्या ये हो पाएगा 3 स्टार, कम ऑन, ओ भाई सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं, क्या हम लोग कर पाएंगे 11 से 13 के बेस को 3 स्टार, 94% 95 आ गया, ओके 96 आ गया, भाई साहब क्या बात है गाइस, क्या बात है, मुझे कुछ नहीं पता भाई, मुझे इस अटैक के लिए चाहिए 50,000 लाइक्स, क्या अटैक था भाई, दो दो स्कैटर शॉट थे, टाउन हॉल मैक्स लेवल का था, इन्फिर्नोस थे, आरसी थी, ईगल मैक्स था, एंड हम लोगों ने ऐसा नहीं कि 12 से किया है, टाउन हॉल 11 से हम लोगों ने इस बेस के ऊपर 3 स्टार अटैक किया है, भाई साहब मजा आ गया ये अटैक करके, टाउन हॉल 11 vs 13 अलग ही लेवल के स्वैग चल रहे भाई यहाँ पे, तो ये आ गए हमारे 3 स्टार, 89 स्टार्स हो चुके हैं भाई साहब, क्लैन में ओपी ओपी क्या चल रहा है भाई, ओपी 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 सुमित ओपी बोलते हैं, क्या बात है भाई सुमित ओपी,
ओपी भाई मजा आ गया, क्या बात है भाई। एक और बार यहाँ पे रिप्ले चेकआउट कर लेते हैं। तो भाई ये था बेस, एंड इस बेस के ऊपर कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे 3 स्टार अटैक टाउन हॉल 11 से 13 के ऊपर। तो भाई मस्त मजा आ गया यार सच में। हाँ एंड एक चीज यहाँ पे साबित भी हुई है कि हाँ प्लानिंग अगर आपके पास है तो भाई आप लोग कर सकते हो 3 स्टार। पहले बेस के ऊपर हम लोग चले गए विदाउट प्लानिंग, मतलब मुझे लगा इजीली हो जाएगा, मतलब उतनी कोई बड़ी बात है नहीं, टाउन 11 ही तो है इजीली हो पाएगा, लेकिन 11 पे फेल कर दिया। एंड यहाँ पे 13 का बेस है जहाँ पे स्कैटर शॉट है, टाउन हॉल है इसका, टाउन हॉल जो खुद भी अटैक करता है, ईगल है, 3-3 इन्फर्नो टावर्स है, आरसी भी है यहाँ पे, लेकिन इस बेस के ऊपर 11 से 3 स्टार किया लेकिन 11 पे नहीं कर पाए। तो भाई ये पूरा नतीजा है प्लान का, प्लान अगर आपके पास है तो 3 स्टार आप लोग कर सकते हो। भाई मजा आ गया यार। एंड मुझे इस वीडियो के लिए चाहिए 50,000 लाइक्स, मुझे कुछ नहीं पता इस अटैक के लिए तो बनते ही है 50,000 लाइक्स। तो भाई बस यही थी आज की हमारी टाउन 11 से 13 की वीडियो। एंड क्लैन में तो भाई साहब मजा ही आ रहा है, ओपी 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 चल रहा है। तो भाई यही थी आज की हमारी वीडियो। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।